सो हेलो एंड गुड इवनिंग भाई लोग बहुत दिनों के बाद मैंने आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ है क्यों क्योंकि मैं अभी गांव में हूँ और आप लोगों को पता है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी शायद मैंने आपको यूट्यूब पर तो नहीं बताया हाँ, इंस्टाग्राम पर बताया है मैंने तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा मैंने अपने टॉपिक से हटा है मैंने दिखाने की कोशिश की है कि मैं एस सी में आता हूँ और मैं नकली अम्बेडकर वादी नहीं हूँ तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें आप लोग मैं पहले बता देता हूँ आप जिससे पूछते हो पूजो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरा कहना है कि अगर मैं मेरे अंदर भगवान को पूजने की मतलब अंदर से आती है कि मैं भगवान को पूछू तो फिर मैं क्यों ना पूछू मैं ये नहीं कहता कि आप उसे मत पूछो आप इसे मत करो ये गलत है वो गलत नहीं मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं ऐसा कुछ मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं बोला अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि तू बस एससी एस टी का नाम लेकर लाइक और व्यूज चाहता है तो भाई ऐसा कुछ नहीं मैं खुद ऐसे समाज से हूँ तो अब मैं दिखाता हूँ की सिर्फ मैं ही नहीं मेरे पिताजी और दादाजी ये सभी लोग कितने सभी लोग कितने बड़े पुजारी थे मैं उनको दिखाता हूँ उनके बारे में आपको ठीक है और भाई मैं कोई अमीर खानदान से तो हूँ नहीं जिसके पिताजी का इलाज एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है तो समझ सकते हो अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है तो ऐसा क्या मतलब सारे लोग गरीब ही होते हैं लेकिन नहीं भाई अपना सच में कंडीशन बहुत गंदा है अभी और पिछले कुछ सालों से हो गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पिताजी जिज करते हैं तो बहुत बार कोशिश की कि उसे हॉस्पिटल में लेके जाऊ प्राइवेट हॉस्पिटल में क्योंकि वहाँ थोड़े अच्छे से इलाज हो पाएगा उनका क्योंकि एक डॉक्टर रहेंगे और वहाँ चार डॉक्टर आते हैं चार तरह से बोलते हैं लेकिन पैसे छोड़ो यार मैं सहानुभूति नहीं लेना चाहता आप लोगों तो से मैं फ़िलहाल दिखाता हूँ कि हम लोग कितने मंदिर हैं हमारे ठीक है मैं मेरे घर में पहले मैं अपने घर से स्टार्ट करता हूँ फिर यहाँ जो अभी जहाँ पर मैं आया हूँ और इसको जहाँ पर मेरा पुराना घर था वो मैं दिखाता हूँ वहाँ कितना मंदिर है हम लोगों के पास और सिर्फ मैं नहीं मेरे पूर्वज पिताजी दादाजी उनके पिताजी वहां से चला आ रहा है हमारा प्रथा की पूजा पाठ करना है यहां से वैसे दिखाता हूं मैं दरवाजा तक नहीं था ठीक है दरवाजा तक नहीं था और ये देखो पुराना घर मेरा सब कुछ किस तरह से बर्बाद हो चुका है ठीक है ये घर लेकिन जब हम लोग रहते थे तो इतना कंडीशन खराब नहीं था अभी ये दो चार साल पहले की कहानी है हम लोग दो चार साल पहले कहीं शिफ्ट हुए हैं वो भी मेरे चाचू का घर है तो देख लो ये मंदिर मैंने बताता हूँ ये मेरे पिताजी ने माताजी पिताजी ने मेरी माँ ने मेरे पिता ने ये मंदिर जो भी छोटा सा जो पूजा पाठ करने का होता है वो ये है ठीक ये देख लो ये काली माँ हो गई ये हमारे अर्धनारेश्वर हो गए यानी कि माता पार्वती भोलेनाथ और देख लो यहां माँ सरस्वती विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा बाबा भोलेनाथ ये सब कुछ ये एक टोटल जो होता है एक जो मतलब एक मंदिर में जितना होना चाहिए सब कुछ यहाँ है जो एक पूजा पाठ होना चाहिए हाँ गरीब है पैसे कम है लेकिन श्रद्धा तो है ना यार मैं और कुछ नहीं बोलता आप लोगों से पूजा पाठ का रूम था यहाँ हम लोग कुछ नहीं बस थोड़ा बहुत सामान रखते थे इधर साइड में और यहाँ पूजा होती थी और इसमें हम लोग कुछ नहीं और यहाँ हमारा घर था ये बस एक रूम ठीक है बस ये एक रूम था ऊपर देख लो इसका घर था ये था हमारा ठीक है यहां से यहाँ हमारा टीवी हुआ करता था और इधर हमारा बेड हुआ करता था जिसमें कि हम लोग मतलब मेरी जो बहनें हैं और मम्मी यहां से करती थी और पापा भी यहीं सोते थे और मैं सोता था यहाँ भी मतलब ऐसे जो खपड़ा मैंने दिखाया ना यहाँ पर ये ऐसे यहाँ छत मतलब ऐसे खपड़े से था जो होता है पूरा यहां से लेकर वहां तक तो मैं यहां सोया करता था मतलब यहाँ पर बेड था ये नहीं इससे बेड था मैं सोया करता था यहाँ तो ये ये नल था हमारा ह भाई क्या जिंदगी है यार और देख लो ये ये, ये मेरा मंदिर देख लो बजरंग बलि का मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है और ना मेरे पिताजी के पास पैसे उतने हैं ठीक था एक टाइम पे था मैं क्या बताऊं लेकिन कंडीशन छोड़ो यार वो, वो उसके बारे में कभी बात करेंगे लेकिन अभी ये देख लो ये देखो ये हमारे बजरंग है ये मेरे पिताजी ने इसका मिस मंदिर का निर्माण कराया है देख सकते हो ये साइड ये पूरा ऐसे बना दिया और इसको ऐसे डाल दिया क्योंकि भाई अभी सच में अगर पैसे मेरे पास आ जाएंगे तो मैं बनवाऊंगा इसे तो ये मेरे पिताजी ने बेरिंग बली कहा अब तो बोलोगे कि भाई चलो पिताजी तो तुम लोगों को उसका तो जवाब मिल गया होगा कि भाई देख लो कि तुम्हारे बाप और दादा झाड़ू बांधकर कैसे घूमते थे अभी ये पिताजी का दिखाया अब चलो दादाजी का दिखाता हूँ और देख लो ये है हमारे जखराज बली ठीक है जखराज बली है ये और यहाँ पर भी ये मेरे दादाजी ने निर्माण करवाया था इसका लेकिन क्या बोले यार अभी हूँ मैं अपने गांव मतलब जो जिससे गांव बोलते हो उसके जस्ट बीच में मेरे पुराने व जहां पर मेरे दादाजी सब रहते थे और जहां पर मेरे पिताजी यानी कि मेरा जन्म हुआ जहां पर मेरे पिताजी रहते थे और जहां मेरा जन्म हुआ वो मैंने अभी दिखाया आपको ठीक है और उस गांव का भी अच्छे से मुआयना कराऊंगा फिर कभी लेकिन अभी इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि यार एक तो पिताजी का मंदिर दिखा मैंने पिताजी ने मंदिर जो बनवाया है उसका निर्माण करवाया थोड़ा बहुत ही सही जितने पैसे है हमारे साथ उतना ही और अब दिखाऊंगा मैं मेरे दादाजी ने जो निर्माण कराया है मेरे दादाजी के पूर्वजों ने जो निर्माण कराया है सिर्फ दादाजी ये नहीं दादाजी के पूर्वजों ने लेकिन उससे पहले देख लो ये हरियाली गांव की हरियाली दिल्ली में ये कहा यार ये हरियाली <laughs> फिलहाल वो मेरा पीछा देख लो वो जहां पर मैं रहता हूँ अभी वो गाँव वहां है गेहूं और इस बीच में वहां देखो मेरा गांव है वो जहां पर आपको जो टापू जैसा दिख रहा है वहां पर देखो वो टापू जैसा दिख रहा है वो है मेरा गांव तो चलो वहां भी दिखाता हूँ कि वहां हमारे देवी देवताओं कैसे हैं। कुल देवी का घर ठीक है जो मेरे जो फैमिली है उनकी जो कुल देवी है वहाँ है उनका मंदिर है वहाँ तो वो मंदिर भी अभी क्या बताऊं जिसे अब फैमिली है जिसे गोतिया बोलते हैं गांव में ना उस वजह से भी वहां पर थोड़ा दिक्कत है जो कि मंदिर का निर्माण नहीं कर पा पाया लेकिन मैंने कहा है क्योंकि वो जो गोतिया है चलो मैं दिखाता हूँ मैं दिखा देता हूँ यहाँ समझ में नहीं आएगा मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोलता हूँ या गरीब नहीं अरे गरीब मैं गरीब नहीं हूँ हाथ पैर दिए हैं मुझे भगवान ने और मैं कमा रहा हूँ और मैं उससे आगे बढ़ूंगा और मुझे पता है कि मैं बहुत आगे बढ़ूंगा कॉन्फिडेंस है खुद पे खुद भी पता है मुझे ये देखो ये एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है देख सकते हो इतना सा बड़ा वो जो अंकल जी खड़े हैं वहाँ से देख लो दादाजी हैं वो मेरे अपने दादाजी नहीं है लेकिन दादाजी के भाई हैं तो वहां से लेके यहां तक ठीक है ये जमीन का टुकड़ा हुआ ये मेरे पिताजी ने आम का पेड़ लगाया है ठीक है देख लो इतना बड़ा हो चुका है एक ये एक ये और एक ये वो छोटा सा भूमि का टुकड़ा एक ये के टुकड़ा हो गया और एक टुकड़ा और है वगैरह तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं क्योंकि लगा ही नहीं है और अच्छी बात है और मुझे इसमें खाद डालना है और अभी तक खाद नहीं ला पाया हूं मैं और ऐसे नहीं की पैसे नहीं है पैसे है, जा नहीं पाए क्योंकि पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मैं हॉस्पिटल में ही ज्यादा देर तक रहता हूँ और एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा ये देख सकते हो वहां से लेके जो दिख रहा है आपको वहां से लेके ये ये एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है हमारे पास ठीक जो कि दादाजी ने हमें विरासत में दी है और ये पुस्तैनी जमीन जिसे बोल सकते हो ये है और बाकी जितनी भी अलग से बना है वो मैंने क्या बताओ मैं जैसे मेरा कोचिंग चले या कुछ भी वो जितना भी इतने लोग हैं जुड़े हुए कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए ठीक है उनके पेरेंट्स क्या बताऊं इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कि अभी भी मैं बोलूं तो वो हर तरह से मेरी मदद करने के लिए तैयार है एक मंदिर है ठीक है कच्चे पर कच्चा ही है लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे बनवाया है अब वो देख लो वहाँ पर हम लोग मैंने नहाया नहीं है भी सोच रहे इसलिए अंदर जाऊँगा नहीं तो वो इसे हम लोग पाड़े बाबा कहते हैं एक मंदिर ये हो गया ये सदियों से हमारे साथ हमारे पूर्वजों ने बनाना है हमारे पूर्वजों ने बनाया है अभी मैं दिखाने वाला हूँ उसे देख के प्लीज मुझे गाली मत देना क्योंकि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसे इस हालत में बिल्कुल नहीं रहने देता देखो एक मंदिर ये भी है ये मेरा कुल देवी है ठीक है और ये इसलिए ऐसा इस एस स्थिति में है क्योंकि तो ये जितनी जमीन देकर वह ये जमीन ठीक है इधर से जो दिखा रहा हूँ मैं इसमें पांच छः लोग हैं मतलब दादाजी के भाई तो इसमें विवाद चल रहा है कि किधर कौन लेगा तो इस वजह से भी यहाँ पर नहीं हो पाया है इस मंदिर का निर्माण क्योंकि मेरे चाचू दोनों चाचू जो हैं वो बिहार पुलिस में हैं वो करवा सकते हैं लेकिन नहीं हो पाया है और हाँ अभी अब मेरे पास पैसे आने वाले हैं मुझे पता है जल्दी ही आ जाएंगे क्योंकि YouTube का चैनल मोनिटाइज हो गया है मोनिटाइज होने के साथ थोड़ा बहुत डॉलर भी बनने लगा है लेकिन जिस दिन भी आ गया मेरे पास पैसे अच्छे खासे अच्छे खासे नहीं थोड़े बहुत भी तो सबसे पहले मैं इस मंदिर का निर्माण करवाऊंगा इस भगवान के सामने बता रहा हूँ मैं इस भगवान का इसे भगवती माँ बोलते हैं हम लोग हम लोगों की भगवती माँ है ये कुल देवी है तो सबसे पहले मैं इस मंदिर का निर्माण करवाऊंगा जितने लोग मुझे बोलते हो कि तुम्हारे दादा पर दादा या पूर्वज झाड़ू बांध कर घूमते थे तो वो टाइम गया और अच्छे और बुरे लोग हर समाज में हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज गलत है मैं ऐसी हूँ लेकिन मेरे पूर्वजों के अंदर राम बसते हैं भगवान बसते हैं हिंदू देवी देवता बसते हैं वो खुद को हिंदू मानते हैं तो इसमें क्या गलत है तुम्हें नहीं मानना है मत मानो लेकिन हम तो मानते हैं हमें क्यों गाली देते हो तो ये तो छोटा सा ब्लॉग है और आगे रहा तो मैं और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा भी, भी लोगों से मिलाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में और इसी तरह की वीडियोस के लिए थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करो यार और कुछ नहीं बोल रहा मैं और सपोर्ट करो ताकि मैं और अच्छे से अपने हिंदू भाइयों को जगा सकूं कि थोड़े भटक गए हैं वो वो वापस आए और हमारा धर्म बुरा नहीं है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम जय भीम